मेडिकल कॉलेज को लेकर लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक ने आवाज उठाई। भिंड में मेडिकल कॉलेज को लेकर आए दिन पार्टियों ने आवाज उठाई, लेकिन भिंड को अब तक मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने भिंड आगमन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि दतिया से झांसी की दूरी महज 30 किलोमीटर की है। वहीं ग्वालियर भी नजदीक है, लेकिन ग्वालियर से भिंड मुख्यालय की दूरी 80 किलोमीटर होने के बावजूद भिंड को मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिली है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसके बाद तहसील मुख्यालयों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यदि फिर भी भिंड को मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिलती है तो आगे और भी बड़े आंदोलन होंगे। भिंड में 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक मेडिकल कॉलेज को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके पूर्व भिंड विधायक संजीव कुशवाहा ने भी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को ये कई बार उठा चुके हैं और अब लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार हस्ताक्षर अभियान जैसे अभियान चलाए जाएंगे। भिंड में मेडिकल कॉलेज देंगे, जबकि भिंड जो है ये ग्वालियर मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, दतिया से 30 किलोमीटर की दूरी पर झांसी है, गुना से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर है। तो भिंड में मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता एक बात। दूसरा क्या है कि भिंड नागपुर 80 किलोमीटर मुख्यालय से दूरी पर है, भिंड का जो सबसे कोना है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो ग्वालियर से करीब करीब 150 किलोमीटर तक जाता है और 200 किलोमीटर तक जाता है। दूसरे भिंड में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन चलाएंगे। 1 सितंबर से लेकर 3